कैमरा तो बंद करो आप। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर रोड स्थित आईटीआई रोड में। हम मौजूद हैं प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के बाहर, अभी हम मौजूद हैं। और यहां आने का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि ये एक शिक्षण संस्थान है और उसके बावजूद ये जो फुटपाथ है उसमें जो दुकानें यहाँ पे व्यापारियों द्वारा लगाई गई हैं वो अवैध तरीके से लगाई गई हैं या सही तरीके से लगाई गई हैं, क्योंकि फुटपाथ है, लोग यहाँ पे चलते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से दुकानों का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है वो क्या सही है या फिर गलत। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक शिक्षण संस्थान है और जो सारी दुकानें आप यहाँ पे देखेंगे वो या तो मांस की दुकानें होंगी, मीट शॉप होंगी या फिर गुटखा या तंबाकू की दुकानें यहाँ पे लगाई जाएंगी। और अगर मैं आपको रूल्स बताऊँ तो किसी भी प्रशिक्षण संस्थान के बाहर यानी कि 200 मीटर के दायरे में किसी भी इस तरह की दुकानों का लगाना पूरी तरह से वर्जित है। कब से दुकानें यहाँ पे लगी हैं, क्या नगर निगम को इस बारे में पता है कि ये जो दुकानें हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं, क्योंकि शिक्षण संस्थान यहाँ पर है। और साथ में ये भी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि ये नशेड़ियों का अड्डा भी यहाँ पे बना हुआ है, जो प्रशिक्षण संस्थान की जो लड़कियां हैं उन पर अभद्र टिप्पणी भी यहाँ पे की जाती है। ऐसी कई बातें यहाँ पे निकल के सामने आती हैं, कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ पर जो समस्या का समाधान है वो नहीं किया गया है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सारी दुकानें यहाँ पे लगाई गई हैं वो सारी ही मीट शॉप हैं, और जो कुछ एक दो दुकानें हैं वो या तो गुटखे की दुकानें हैं या फिर किसी और चीज़ की, जो यहाँ पर एक प्रशिक्षण संस्थान के बाहर लगाना पूरी तरह से गलत है। और अगर मैं यहाँ पे अगर आपको स्थिति दिखाऊं तो यहाँ की सड़क की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की सड़क की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लगातार समस्याओं का जो अंबार है वो हमें देखने को मिला है, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा है। आगे को चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कब से ये जो दुकानें हैं वो लगा रहे हैं, क्या उनको पता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के बाहर इस तरह की दुकानें लगाना वर्जित है, नगर निगम की ओर से क्या उनको परमिशन दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है। कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइक के सामने लोग अपनी गलती कबूल नहीं करते हैं, लेकिन जेजेएन पूरी कोशिश करता है सच आप तक पहुँचाने के लिए। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस नियम का उनको पता है या फिर नहीं। चलिए मेरे साथ। भैया आपकी शॉप है? नानी की शॉप है। अभी नानी की यहाँ नानी की शॉप है। कितने सालों से ये शॉप लगी हुई है यहाँ पे? बहुत टाइम हो गया मैडम। कैमरा तो बंद करो आप। अरे बस यही तो पूछ रहे हैं कि कितने सालों से लगी हुई है बस। मैं नहीं बताना, वो जो बैठते हैं वो अभी है नहीं। आप कब से बैठते हैं? मैं तो कल परसों से बैठा। कल? इतने नहीं भैया, मैं तो इतने दिन से आ रही हूँ, आप दिख रहे हो मुझे। मैं कल परसों से बैठा। कल परसों से बैठ रहे हैं। आपकी नानी की दुकान है? नानी की दुकान है वो, फोटो लगी। नानू है आपके? हाँ। तो कितने सालों से, आपको ये तो बताओगे कितने सालों से लगा रखे इन्होंने? मैं नहीं बताना। आप कहाँ के रहने वाले? आप लोग पर्ची काटते हैं यहाँ से नगर निगम की तरफ से? नहीं, ठेकेदार की ओर। ठेकेदार की ओर से। सर मुझे एक बात बताइए कि ये प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पे और उसके 200 मीटर के दायरे में इस तरह की दुकानें खोलना वर्जित है? ये तो पहले से ही चले आ रहे हैं। पहले से ही चले आ रहे हैं। हाँ। नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अब ये तो ये जानकारी मुझे नहीं है, मैं तो ठेकेदार से संबंधित हूँ ना। अच्छा, मुझे ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है रविंद्र शर्मा। कहाँ रहते हैं? इनका नंबर ले लीजिए आप, मेरे पास नंबर है। अच्छा, तो ये पर्ची कितने रुपए की कटती है? ये इनकी 25 रुपए की। हाँ। और ठेले वालों की, रेड़ी वालों की 15 रुपए की। 15 रुपए की। ये जो दुकानें हैं कितने सालों से ऐसी लगी हुई हैं? तो वर्षों हो गए, अभी कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं मेरे पास, वर्षों है। इसके नगर निगम 25 ये टैक्स वसूलती है बस इनसे, और कोई ये पता नहीं। अच्छा, मतलब आपको कह रखा है कि पर्ची काट के आइए, आपको पर्ची काटते हैं बस। चलिए, कितने सालों से काट रहे हैं? मैं लगभग 6 महीने हो रहे हैं। अभी 6 महीने हो रहे हैं। इसी एरिया की काट रहे हैं? हाँ, इसी एरिया की। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि एक जो मीट शॉप थी यहाँ पे, वहाँ पर जो लड़का यहाँ पे काम कर रहा था, हमने उससे बात करने की कोशिश की, हालांकि वो कैमरा देखकर थोड़ा जो है वो घबरा गया था और कैमरा बंद करने की अपील करने लगा था। साथ ही एक अंकल हमें यहाँ पे मिले जो यहाँ पे पर्ची काट रहे थे, जिन्होंने हमें बताया कि जो दुकानें हैं उनकी 25 रुपये की पर्ची ठेकेदार की ओर से कटवाई जाती है, वो पर्ची काटते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम दुकानें हैं वो कुछ बंद हैं, कुछ खुली हैं, एक ही दुकानें हैं, जनसेवा केंद्र यहाँ पे है। और अगर मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पर हेयर कटिंग सैलून यहाँ पर मौजूद है, तो इन भैया से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फुटपाथ है ये और फुटपाथ में जिस तरह से यहाँ पे दुकानें लगाई गई हैं लोगों को दिक्कतें भी होंगी, कब से ये दुकानें लगा रहे हैं, कोशिश करेंगे पूछने की। भैया जी, आपकी दुकान है? नमस्कार।
कितने सालों से चला रहे हैं सर दुकानें? ये दुकानें करीब हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। ये जो प्रशिक्षण संस्थान है ये पहले से ही यहीं पे था? जी। जब आपने दुकानें लगाई? जी। अच्छा, तो यहाँ पे लोगों को दिक्कतें होती है चलने में? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फुटपाथ है ना? जी। तो यहाँ पे ऐसे दुकान या लगाना नगर निगम ने कभी कोई शिकायत नहीं करी आपसे? नहीं, शिकायत तो क्या, पर्ची कटाते हैं हम। पर्ची कटाते? कितने सालों से कटा रहे हैं पर्ची? पर्ची करीब 2 साल से। 2 साल से दुकान लगी? कितना समय हो गया? करीब 10 साल। 10 साल हो गए। 8 साल से पर्ची कुछ नहीं कट रही थी? नहीं, पहले से नहीं कटी। पहले से नहीं कट रही थी। अच्छा, ये मेरे को ये बताइए कि ये जो फुटपाथ है और ये जो सड़क की हाल है, इससे कितनी परेशानियाँ होती है? परेशानी तो टूटी है सड़क, तो परेशानी तो होगी मैम। अच्छा जी। और ये जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी मीट की शॉप भी है जी, तो यहाँ पर ऐसी बात भी सामने आई है कि यहाँ पे नशेड़ियाँ भी आते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? पक्का ऐसा कुछ नहीं है? हमने तो नहीं देखा ना सेड़ियों। आपने नहीं देखा है? चलिए भैया से बात करते हैं। भैया 3-4 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बताइए मुझे, नशे का कारोबार होता है यहाँ पे? नहीं। नशेड़ी आते हैं यहाँ पे? नहीं। शिकायत तो मिली है? होता ही नहीं है ना सर। यहाँ पे जो लड़कियाँ यहाँ पे जो प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ती हैं, इन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है? कमेंट्स किए जाते हैं इन पे? नहीं किए जाते हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं? कौन कौन आता है यहाँ पे, कितने लड़के आते हैं पूरे दिन भर में? मेरवेडन आते हैं, वैसे आते हैं कस्टमर आते हैं। कस्टमर आते हैं? वैसे कोई नहीं आता? वैसे कोई नहीं। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो सवाल थे हमने यहाँ पे पूछे, लोगों से भी जाना कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। पूरी कोशिश की हमने कि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पर जो टिप्पणियाँ हैं लड़कियों पे वो की जाती है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जो दुकानें हैं वो अवैध तरीके से लगाई गई हैं। हालांकि जब हम ग्राउंड जीरो पर आए तो देखने को ये मिला कि ठेकेदार की ओर से यहाँ पे पर्ची कटवाई जाती हैं। पिछले 2 साल से जो लोग हैं वो यहाँ पे पर्ची कटवा रहे हैं और पर्ची इनके पास है भी, हमें दिखा रहे हैं कि ये पर्ची काट रहे हैं। ये इन्होंने पर्ची कटवा दी है, 2500 रुपये की पर्ची। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा इस पर जूम करके दिखाए कि 2500 रुपये की इनकी पर्ची यहाँ पे कट रही है, यानी कि ये लोग रोज़ पर्ची कटवा रहे हैं और नियमों का ये पालन भी लोग कर रहे हैं। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानी और दिक्कत वाली बात ये देखने को आई है कि अगर ये फुटपाथ है उसके बाद भी नगर निगम ने यहाँ पे क्यों कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई है, या फिर नगर निगम को कोई ऐतराज़ नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे पर्ची काट रहे हैं, प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे मौजूद है, मीट की शॉप यहाँ पे खोली गई है और रूल ये कहता है कि 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की दुकानें, ये जो दुकानें लगाई गई हैं ये संचालित नहीं की जाती है। तो एक बड़ा सवाल है, जनता से अपील करना चाहेंगे, इस सवाल को बढ़ाइए, सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि JJN लगातार जमीनी मुद्दों को लेकर और जमीनी जन समस्याओं को लेकर आपके बीच आता रहता है। तो ये थी JJN की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।